480 में। बहुत ले रहे हो। नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ ना, आंटी बोल रही है कि बहुत ले रहे हो। हमें जो है ओ हो, लोकेशन जो है मुझे इस वाले गली में दिखा रहा है भाई। भाई बारिश हो रही है, इधर भंडारा चालू है करी चावल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू, और आज भाई मैं सोच रहा था स्विगी में काम करने के लिए, पर दिक्कत क्या होगी पता है? नहीं, मैं बैग लाना भूल गया। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। और जब मैं जोन में आ गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ भाई बैग है ही नहीं हमारे पास। इसमें ऐसे टी शर्ट जो है हमारे पास पहले से है, लेकिन आपका जो भाई ना थोड़ा सा मोटा हो गया यार, तो टी शर्ट जो है आ नहीं रही है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती नहीं, है। नहीं, मेरी गलती नहीं, है। नहीं नहीं मेरी गलती है। और हमारे दोस्त यार में जो है कोई इतना मोटा नहीं है कि भाई उनका टी शर्ट हमें आ जाए। ये भी ठीक है, तो ऐसे भी टी शर्ट हमारे पास नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। लेकिन बैग था, समझे तो बैग से जो है काम कर लेंगे, लेकिन लाना ही भूल गए। और ये कहाँ गया? आया जो हेलमेट है छोटा सा, ये अभी तक भीगा हुआ है क्योंकि कल जो है बारिश हो रही थी, अब बारिश के कारण जो है ये भीग गया है। अब भीग गया है तो हम बाइक टैक्सी भी नहीं चला सकते, कस्टमर जो है कंप्लेन करेंगे। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? तो ये भी कोई काम का आज नहीं है, इसको रख देते हैं। क्योंकि रात जो है हमारा प्लान बना हुआ था कि भाई हम स्विगी में जाएंगे काम करने के लिए, तो बैग से जो है मैं हेलमेट हटा के रखा नहीं। और अब एक ही उपाय है भाई, क्या अब जो है अंकल डिलीवरी करना पड़ेगा या पोर्टर, तो देखते हैं। जिसमें भी आईडी जो है कोई भी चालू नहीं किया। टाइम जो है 9:15 हो गया है, पोर्टर भी चालू हो गया, अंकल डिलीवरी भी ओपन हो गया है। अब देखते हैं भाई कौन सा बाबा बजते हैं, पोर्टर बाबा या अंकल बाबा, जो भी है बज जाए बस। अरे बाबा, तो फर्स्ट राइड जो है पोर्टर का बज गया है, 480 रुपया दिखा रहा था डिस्प्ले पे। और भाई जाना कहाँ है पता है? फरीदाबाद, बैकुंठ चले जाओ, काफी दूर पर जाएगा, पता नहीं वहां से कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है चलते हैं। ऐसे पहला ऑर्डर जो है हमारे पास अंकल डिलीवरी का बजा, 131 रुपये का जो है सादरा लेके जाना था, लेकिन लगले जो है पोर्टर ही बजा दिया। बोले नहीं भाई अब लेके जाऊंगा तो पोर्टर लेके जाऊंगा क्यों, और भी 480 रुपये का। इधर जो है गली में जाना है मुझे, लोकेशन तो भाई यही है, कॉल करते हैं एक बार। हेलो हेलो सर, पोर्टर बुक किए थे? पोर्टर हाँ जी, पोर्टर बुक किया है। नीचे गली नंबर 6 में, हाँ सर गली नंबर 6 में आना है, राजा पार्क में। सर जो लोकेशन डाला हो जस्ट मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ये रहे आपके पीछे देखो, ऊपर। चलो ठीक, चलो ठीक है, भेज दो। हाँ 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 चलो ठीक है सर, वेलकम। भाई लगता है कोई पूजा का सामान है, प्रसादी है शायद। जाना है कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर दिखा रहा भाई। अरे हट जाओ यार, 48 किलोमीटर, 1 घंटा 14 मिनट का रास्ता, कोई बात नहीं। तो भाई कल मैं यार एक जो है वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें टेक मैन जी यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर अपलोड किया हूँ, और उसमें यार कमाल हो गई, कमाल ये हो गया कि मैं देख रहा हूँ थ्री व्हीलर का जो पोर्टर में चलता है, थ्री व्हीलर बैटरी वाला, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई उसमें ज्वाइनिंग फीस भी कम है यार। क्या बात कर रहे हैं? 599 रुपया। अब बाइक में कितना है? 999 रुपया, मैंने 1000 रुपया, उसमें 600 रुपया है ज्वाइनिंग। दूसरी बात एक और, उसमें 15% लेती है कंपनी। ये भगवान क्या जुलुम है। और हम सबसे 20% लेती है, कभी कभी 12% भी लेती है उसमें, और हमसे जो है 20% लेती है। अलग ही सीन चल रहा है भाई। और इनकम देख रहा हूँ कि जितना 10 घंटे में वो जितना कमाते हैं, उतना हम सब बाइक में जो है 15 अगर 16 घंटा या 17 घंटा काम करोगे, 15 घंटा हम 16 घंटा ले लेते हैं, तो 15-16 घंटा में आप 1700-1800 जो पूरा टाइम जो है पोर्टर को देते हैं, तो
2200, कभी 1800, तो कभी 1700, कभी 1500 भी हो जाता है। तो इतना ही 10 घंटे में जो है थ्री व्हीलर वाले जो है कमा पा रहे हैं। तो इनकम जो है उनका 10 घंटे में उतना हो रहा है, हम सब का 15-16 घंटे में हो रहा है, लेकिन सब चीज़ में ज़्यादा डिस्काउंट जो है थ्री व्हीलर को मिला भाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा हम सबको यार, मतलब कंपनी पूरा दाब के ले रही है हम सबसे। तो भाई हम आ गए ड्रॉप लोकेशन पे, लेकिन यार इतना दूर का अगर ऑर्डर मिल जाए ना, पिछवाड़े का बैंड बज जाता है भाई। बारिश लगता अभी अभी लगता इधर हुआ है क्या, पानी भरा पड़ा है। लोकेशन बिल्कुल यहाँ का डला हुआ है, देख लेते हैं। 128, ठीक है, हम सही जगह खड़े हैं। हेलो, हाँ जी मैम, पोर्टर से जो है कोई सामान आया था आपका, दिल्ली से जो आना था। हाँ ये राजा पार्क, मान लो राजा पार्क। हाँ जी, पर पता नहीं कोई सामान है, मैं नीचे खड़ा हूँ 128 पे। 128 बी पे नहीं? हाँ 128 है मैम। हाँ एक मिनट मैं देख रही हूँ। ऊपर आना, हेलो, किस नाम नाम बताए? अच्छा नाम कहाँ से लेके आया है उनका बता दूँ? परवीन, परवीन दिए नहीं, यही दिए हैं। अच्छा पेमेंट आप करवाओगे? वो बताइए, 480 है मैम। बहुत ले रहे हो? नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ ना, आंटी बोल रही है कि बहुत ले रहे हो पैसे। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो है 384 रुपये का जो है इनकम हुआ है। फरीदाबाद भाई आ तो गए हैं, पर यहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता है, कितना वेट करना पड़ेगा कोई आइडिया नहीं, देखते हैं। पोर्टर में यार जितने भी डिलीवरी बॉय है सारे बड़े बदमाश हैं यार। क्या बोला तूने? अब क्या है कि बड़े ऑर्डर खुद लेके चले जाते हैं, छोटे ऑर्डर भाई मेरे लिए छोड़ जाते हैं। मैं दो ऑर्डर भाई स्किप कर दिया छोटा के कारण, 100 रुपये का था ऐसे ही, एक आया फिर 374 रुपये का। मैं पत्थरगण, मैं भाई मैं इसको छोड़ूंगा ना, मैं उठाऊंगा, लेकिन नहीं कोई ले गया। अब फिर से आ गया 105 रुपये का, ले यार इसे तो उठाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लोकेशन पे तो आ गया हूँ मैं। हेलो, हाँ सर E50 पे खड़ा हूँ। E45? अच्छा E45 पे आना है क्या? हाँ। चलो नीचे आ जाओ। अच्छा चलो आप नीचे आ जाओ, मैं आ गया ठीक है। 45 है ये, कितना है फिर? 45 एड्रेस थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं मुन्ना माफ कर दिया। 45 47, अरे पानी भरा पड़ा है। 46 45, हाँ जी सर। अच्छा पेपर है क्या, ऐसे ले जा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत? एक बार आप एड्रेस चेक कर लीजिए। 786 786, ठीक है। ज़्यादा दूर का भाई तो है नहीं ये ऑर्डर, 5.7 किलोमीटर है हमें जो है। ओ हो, लोकेशन जो है मुझे इस वाले गली में दिखा रहा है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इतना अच्छा रास्ता है कि बोलो मत, बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखते हैं कोई और रूट रहे आगे से, देखते हैं कोई रास्ता रहता है तो, इसमें जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे रास्ता में पता भी तो नहीं कहाँ पे गड्ढा है क्या है, ये क्या है? हाँ, मिल गया, ये है खुफिया गली। हाँ मुझे इसमें आना है। अच्छा आप हो? अच्छा ये लो आप, ठीक है।
तो भाई अभी तक दो ऑर्डर जो है हमारा फिनिश हुआ है और तीसरा जो है आया है। भाई ऑर्डर छोटा जरूर है पर इसकी जो पिकअप पॉइंट है ना वो 4.5 किलोमीटर से यार पिकअप करना है। ये भी पोर्टर जो है ना नौटंकी बना रखा है यार, और 4 किलोमीटर से इसको पिकअप करने के लिए जाएंगे हम। तो क्या हो गया, दूसरा ऑर्डर आ गया, जाते जाते कैंसिल हो गया क्या? अरे वो भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया। लो खुद से जो है कस्टमर जो है राइड को कैंसिल भी कर दिए। ये भगवान क्या जुलुम है। और दूसरा बज भी गया, और ये कहाँ जाना मैं देखा भी नहीं, हमें लगा उसी रूट का तो ऑर्डर नहीं है। अब एक ही ना दूसरा पिकअप है, देखो यही पिकअप में दिक्कत होता है। कंपनी को क्या है, कंपनी तो बस अपना भाई ऑर्डर बजा दिया ले जाओ, इतना जो हम बाइक चला करके आए इसका पेट्रोल कौन देगा, कंपनी के पापा जी देंगे, कौन देगा। चलो ये ज़्यादा दूर से नहीं है, एस काफ़ी नज़दीक से है, इधर से आया था इधर ही जाना पड़ेगा। ज़्यादा दूर का पिकअप अगर ऑर्डर रहता है ना तो ऐसे ही होता है भाई, कस्टमर जो है ये तो चलो पोर्टल में तो ठीक है, पार्सल में एक बार सुन भी लेता है कस्टमर, लेकिन अगर टैक्सी का आ गया ओला उबर रैपडो तो वो भाई फटाक से कैंसिल आपका। ठीक चलो भाई कस्टमर मिल गया, इधर है कोई सामान क्या, ऊपर सेटिंग तो जबरदस्त। हाँ ठीक, हमें लगता है ये मकान दोनों एक ही मालिक का है, दोनों जोड़ा हुआ है, सामान है। ठीक लाल वाली पे रिसीविंग लेके ना मेरे को व्हाट्सएप कर दूँगा। अच्छा लाल वाले सिग्नेचर करवा करके, सिग्नेचर और स्टैम्प दोनों चीज मारेंगे। ये हो गया दो पीस, ये तो आगे भी रख लेंगे हम, बैग में आ जाएगा आपके आराम से, ये बांध लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत। चलो भाई इसको उठा लेते हैं, 15 किलोमीटर जाना है। अब ये क्या है भाई, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, पी के बंदा गिरा हुआ है। हाँ ये महामारी यही है भाई, आ गए। चलो भैया पकड़ो, अब बिल दे रहा हूँ, हमें लाल वाले पे मुहर और सिग्नेचर करके आप दे दो बस। तो रिसीव होगा तो ना, साइन होगा रिसीव करो। हाँ तो कर दीजिए, हम ना करें तो डिपार्टमेंट में ना करें, तो अंदर जाऊँ किधर जाऊँ, ये कहाँ जाएगा, किसके किस बेदुर पास, बेदुर बेदुर को भेजो। तो पोर्टर जो अभी लेकर के आया है ना भाई, ये फरीदाबाद से भी बाहर मैंने गधपुरी में आ रखा हूँ, मतलब फरीदाबाद भी पार करके आज मैं यार, और यहाँ से ऐसे पीछे जहाँ पे अभी मैं ऑर्डर को छोड़ा हूँ यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गया है हमारे साथ, वो ये प्रॉब्लम है कि भाई पावर बैंक तो मैं लेकर के आया हूँ, पावर बैंक मैं लेकर के आया हूँ, आज दिन ख़राब है, पावर बैंक में लेके आया हूँ पर ये जो है चार्ज ही नहीं है। गजब बेइज्जती है, ये दो बिलिंग बिलिंग जर रही है मतलब ख़त्म है, और ये जो फ़ोन है ये चार्ज बिल्कुल नहीं उठा रहा, अपने जितना भी है ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं डाटा केबल ख़राब है या ऐसे, तो ये चार्ज है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है मतलब ख़त्म है, तो हमें लगता है पावर बैंक बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया, जिसके कारण जो है चार्ज नहीं हो रहा। फ़ोन का चार्ज करने का जो है बाइक में जो पहले था हमारा वो सिस्टम है नहीं, तो मतलब इतना दूर से मुझे लगता है क्योंकि बैटरी जो है 15% और यहाँ से घर जो है हमारा कुछ नहीं तो 60 या 62 किलोमीटर होगा, लगता है खाली जाना पड़ेगा भाई, फंस गया आज मैं। बैटरी भाई देखो 12% है, चार्ज में लगा हुआ है पर चार्ज हो नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ से जो है अपने घर तरफ का लोकेशन देखता हूँ भाई, पूरे 60 किलोमीटर यहाँ से जो है मुझे लग जाएगा जाने में, मतलब किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर, बिल्कुल अंदाज़ा मेरा सही था यार। तो आज भाई बिल्कुल मैं अच्छे से फंसा हूँ, बिल्कुल अच्छे से फंसा हूँ, मतलब एक तो बैटरी नहीं है, पावर बैंक भी चार्ज नहीं है,
और सुबह में स्विगी का बैग भी भूल के आ गया था। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ इसका यार। लगता है उम्र हो गया, मेरा आदाश खत्म हो गया, आदाश खराब हो गई भाई। उम्र लग रहा हो गया मेरा, 62 साल हो गया मेरा भाई। अरे कहना क्या चाहते हो। तो आज का दिन जो है खराब गया मेरा, काफी खराब गया। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, ये कुछ ऐसे ही बजा है, बार फिर से देख लेता हूँ। मैं पोर्टर की जो आईडी है बंद कर दिया हूँ। कमाई जो है हमारा सही हुआ है, ये नहीं कि खराब हुआ है। 619 रुपये का जो है भाई कमाई हुआ है, और 1:20 हो गया है। तो लगभग 4 घंटे में जो है हमारा 600 कुछ रुपये का इनकम हुआ है। इनकम तो सही हुआ है भाई, लेकिन ऐसे जगह पे फंसा हूँ कि यहाँ से जाने में भी अगर हम 60 किलोमीटर की बात करें तो 100 रुपये का पेट्रोल तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अब भाई कोई उपाय नहीं है, ध्यान में भी नहीं रहा। तो अब जो है यहाँ से निकलते हैं, घर की ओर निकलते हैं, और कोई उपाय तो है नहीं। आईडी जो है मैं बंद कर दिया हूँ पोर्टर का। लगता है बारिश हो सकता है, क्योंकि गर्मी इतना खतरनाक कर रखा है ना, इतना खतरनाक कर रखा है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ बाइक चला रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे खड़ा रहोगे तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी। और मुझे उस रोड पे जाना है। लगता है घर जाते जाते जो है ना भीग जाऊंगा यार, बारिश जो है मतलब होना चालू हो गया है। तो कितना प्यारा मौसम भाई, खतरनाक, लेकिन भीग के जाऊंगा, मजा आएगा। नो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं भाई बारिश हो रही है, इधर भंडारा चालू है, करी चावल। क्या बात कर रहे बाबा। फरीदाबाद तरफ जो है बारिश जो है तबाही मचा दिया, पर यार दिल्ली जैसे ही एंट्री किया हूँ बारिश है ही नहीं। देखो सारे रोड भाई सूखे पर है, ये देखो है कहीं बारिश भाई, एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ, एक बूंद भी। मैं बोला भाई चाय बनाने के लिए घर में कॉल करके, तो दूध लाने का परमिशन मिल गया। बॉय ये कोई बात होती है भाई। ले भाई ले फरमाइश है, चाय अच्छे से बना दे, बिल्कुल झकास वाले। कौन रोटी कौन खा रहा है? मैं रोटी नहीं खा रहा, मैं तो खाना खा के आया हूँ भंडारे। अब भाई मैं पूरा भीगा हूँ, पर दिल्ली में बारिश ना हुई, दिल्ली में ना हुई। अब जो है कपड़े चेंज करता हूँ, और आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे।